बोलिए सच्चे दरबार की जय। के सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम है और मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कि सब धरती कागज करूं और लेकिन सब बनराय, समुद्र की शाही करूं तो भी गुरु गुण लिखो ना जाए। जो गुरु की शरण में आ जाते हैं वो सदा बेचिंत रहते हैं और आनंदमय रहते हैं। और कहा ना के करता करे ना कर सके, पण गुरु करे सो होए, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ो ना को। सात दीप नौ खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु मुख्य इंसान है, सदा आनंद में ही रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गुरुमुखी बन के तो देखो, चिंता मुक्त हो जाओगे, आनंदमयी हो जाओगे। गुरु की शरण में आके तो देखो। एक समय की बात है जब वे माता किसी नगरी से आ रही थी और सामने गुरु महाराज मिल गए तो उन्होंने कहा, हे मातेश्री आप कहां से आ रहे हो? वे माता कहने लगी, मैं इस नगरी से आई हूं और इस नगरी में मैंने आज तीन बच्चों का भाग्य लिखा है। हे मैया तूने उनके भाग्य में क्या लिखा है और क्या जो तुमने लिखा है वो सही होगा? तो वो वे माता कहने लगी कि जो मैंने लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है। गुरुजन कहने लगे, माता तूने उनके भाग्य में क्या लिखा है? हे मुनिवर इस नगरी के अंदर एक कन्या और दो लड़के जन्मे हैं। मैंने तीनों के भाग्य में लिखा है, जो पहला लड़का है वो जंगल में शिकार किया करेगा और उस शिकार को बेचकर अपना पालन पोषण करेगा, बस इतना ही मैंने इसके भाग्य में लिखा है। और जो दूसरा लड़का है उसके भाग्य में मैंने लिखा है वो एक झोपड़ी में रहेगा और उसके पास एक गाय होगी, बस वो गाय का दूध उपले बेचकर अपना गुजारा करेगा, जिंदगी भर उसके पास एक गाय रहेगी। और जो तीसरी मैंने कन्या बताई है, हे मुनिवर मैंने उस कन्या के भाग्य में ये लिखा है कि वो सारी जीवन नृत्य किया करेगी और अपना गुजारा किया करेगी। बे माता इतना कहकर चली गई। समय व्यतीत होता गया, बच्चे बड़े हो गए, गुरु जी ने वहां कुटिया बना ली और उन बच्चों को अपना शिष्य बना लिया। और कुछ समय बाद जब गुरु जी भ्रमण कर वापिस आए तो पहले लड़के के पास गए, उसने आदर भाव किया, आइए गुरुवर प्रणाम करता हूं, आज हमारी झोंपड़ी में आए हैं,
हमारे पूर्व जन्म के भाग्य हैं, वो जगह हैं। हे गुरुवर, आइए आपको रसोई पानी करवाएंगे। रसोई पानी करते समय गुरुजी पूछने लगे कि बच्चा क्या कार्य करते हो। हे गुरुदेव, मैं रोज का शिकार खेलता हूं और उस शिकार को बेचकर अपना भ्रमण करता हूं। गुरुजी ने कहा, मेरी एक बात मानोगे? जी गुरुजी, जरूर फरमाइए। गुरुजी कहने लगे, बेटा आज तुम वही मृग मारना, वही हिरण का शिकार करना जिसकी नाभि में कस्तूरी हो, और शिकार नहीं बेचना, वो कस्तूरी निकाल कर बेचना। गुरुजी ने उसे पहचान करवा दी। अब उसने उसी तरह का शिकार किया और वो कस्तूरी लेकर बाजार में चला गया, जिसकी बेसुमार कीमत मिली और रसोई पानी का सामान लेकर गुरुजी के पास आया, चरणों में गिर पड़ा। हे गुरुदेव, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत शिकार किए, मगर ऐसा कोई शिकार नहीं किया जिसकी कीमत बेसो कीमत हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो गुरुजी कहने लगे कि आज के बाद में तू कभी अगर शिकार करे तो ऐसा ही करना, अन्यथा अन्याय शिकार मत करना। अब उसको रोज का वैसा शिकार मिलता नहीं और गुरु महाराज की शरण में आकर उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो बेचिंत हो गया, आनंदमयी हो गया। अब गुरु जी चल दिए और दूसरा जो लड़का था उसके पास गए, जाके देखा गांव के बाहर एक झोपड़ी, झोपड़ी में बाहर एक गाय बंधी है। लड़के ने जब गुरुजी को देखा, प्रणाम किया, हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए मुनिवर, हमारी कुटिया में प्रस्थान कीजिए, आपको भोजन करवाएंगे, रसोई करवाएंगे। रसोई करते करते समय गुरु ने प्रश्न किया, बच्चे क्या काम करते हो? हे गुरुजी, मेरे पास ये गाय है, इसका दूध उपले बेचकर मैं अपना पेट गुजारा कर रहा हूं। गुरुजी ने कहा, बच्चा मेरी एक बात मानो, तुम आज इस गाय को लेकर गाय के मेले में चले जाओ, पशु मेले में चले जाओ और इस गाय को बेच आओ, और आते वक्त थोड़ा बहुत अपना रसोई का सामान ले आना और बाकी पैसे ले आना। अब उसने वैसा ही किया, गाय लेकर चल दिया, गाय बेच दी, बाजार से सामान लिया, गुरुजी के पास आ गया। महाराज, इतने में गाय बिके, इतना सामान आ गया, इतने पैसे बच गए। गुरुजी ने कहा, सो जाओ। सुबह जब उठकर देखा तो वही गाय उसी झोंपड़ी के आगे दोबारा खड़ी थी। हे गुरुजी, गाय तो वापस आ गई। गुरुजी बोले, बोले यही तो बात है, तेरे पास ये गाय हमेशा आती रहेगी, हमेशा तेरे पास ये गाय रहेगी, तू रोज को इस गाय को बेच देना, सुबह ये गाय तुम्हारे पास, और इससे तेरा जीवन है जो को अच्छा गुजर जाएगा। अब वो लड़का वैसे ही करता, सुबह गाय आ जाती, शाम को बेचा था, सुबह आ जाती, बड़ा धनवान हो गया, उसका भाग्य पलट गया, गुरु सिमरन में लग गया, क्योंकि गुरुमुखी हो गया, बेचिंत हो गया, आनंदमयी हो गया। अब गुरु जी चल पड़े वहां से और उस कन्या के पास आ गए जो वे माता ने बताया था कि एक लड़की है जिसका मैंने भाग्य लिखा है कि वो अपने पूरे जीवन के अंदर नृत्य करेगी,
और जो पैसा आएगा उससे अपना भरण पोषण करेगी। गुरु जी को देखकर लड़की ने प्रणाम किया, आइए गुरुवर, आइए मुनिवर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी ने प्रश्न किया, बच्चा क्या काम करते हो? हे गुरु जी, मैं नाचने का काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं मैं उससे गुजारा करती हूँ। गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरी एक बात मानो कि तुम एक समय निर्धारित करो, उस समय पे कहीं भी नाचने के लिए नहीं जाओगी, और जाओगी तो भी मुझसे पूछकर, जब तक मैं ना कहूंगा। तो उसने एक दिन रख लिया कि इस दिन को मैं नाचने नहीं जाऊंगी, सोमवार, मंगलवार, रविवार जो भी रखा। एक दिन उसी नगरी के राजा के राजमहल में कोई कार्यक्रम था और वहां नृत्य के लिए नाचने वाली को जब बुलावा भेजा गया तो वो लड़की ने मना कर दिया कि भाई आज मैं नहीं आ सकती, आज मेरे गुरु का जो मुझसे वचन लिया है मैं नहीं आ सकती। तो राजा को जाके बोला कि राजन, उस लड़की ने मना कर दिया है। राजा ने कहा, जाओ माया के भंडार लेके जाओ, जैसे तैसे उसको मना के आज हमारे कार्यक्रम में लेके आओ। दोबारा से वहां लोग पहुंचे और कहा भी इतना धन दौलत लेके आए हैं, चलो राजा के महल में चलो, कि नहीं मैं आज नहीं जा पाऊंगा। वापिस भेज दिए। जब वो वापिस गए राजा से कहने लगे तो राजा खुद उस लड़की के घर पहुंच गए और कहने लगे कि मैं भाई यहाँ का राजा हूँ, इस नगरी का राजा हूँ, और हमारे महल से तुम्हें बुलावा भेजा गया, तुम आए नहीं। तो लड़की ने कहा कि आप कुछ समय रुको, मैं अपने गुरुजी से मिलकर आती हूँ। जब लड़की गुरुजी के पास गई, कहा गुरुजी ये बात है, राजा खुद आए हैं। तो लड़की ने कहा, और गुरुजी ने कहा कि बेटा आज जाओ तुम, और आज के बाद अगर कभी नाचो तो इसी तरह कोई राजा आए तो बुलावे के लिए नाचना, मगर नहीं नाचना। अब राजा के एक महल के कार्यक्रम में जब लड़की वहां गई तो राजा उसका नृत्य देखकर, उसका गायन देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इतनी धन दौलत दे दी, इतनी धन दौलत दे दी कि दोबारा जिंदगी में उसे नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो गुरुजी के चरणों में आके गुरुमुखी हो गई, सिमरण में लग गई, बेचिंत हो गई, आनंदमयी हो गई। तो जो जो गुरुमुखी हैं वो आनंदमयी रहते हैं, बेचिंत रहते हैं। अगर जो गुरुमुखी नहीं हैं उनसे मेरा निवेदन कि गुरु की शरण में जाओ, बेचिंत हो जाओ, आनंदमयी हो जाओ। हा हा, क्या बात है गुरु के चरणों की। और जिन्होंने भी ये वीडियो यहां अंत तक देखी है उनसे मेरा निवेदन कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। बोलिए सच्चे दरबार की सदा।